अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, मेरी आई है ईद, और वो कौन लेकर आया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, शेयर भी करूँगी आप लोगों से। और क्यों ना शुरू शेयर करूँ, आप लोग जो है मेरी फैमिली मेम्बर होते हैं और हर वीडियो आप लोग मेरी देखते हैं, नवाजिश, शुक्रिया, करम और इतनी मोहब्बत का, इतनी चाहत का, मुझे जो ना आप लोगों ने इतनी इज्जत दी है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो जी, इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ मेरी बड़ी बाजी लेकर आई मेरे लिए ईदी। ठीक है, ईदी में क्या है ये भी मैं आप लोगों को, जाहिर सी बात है कि भाई मैं नहीं, जब तक मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ कि भाई हर चीज़ आप लोगों से शेयर की जाए। ठीक है ना, अब्बू के उन्होंने कपड़े दिए थे, वो मैंने जो है दर्जी को दिए थे, जब वो दर्जी से आएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, और अब पहले वो जब आई थी तो अब्बू के कपड़े लेकर आई थी, कल वो आई है तो मेरे लिए जो है ना कुछ चीज़ें लेकर आई हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, बड़ी बहनें जो होती हैं वो माँ के बराबर होती हैं, और सर आँखों पर वो बहुत अच्छी मेरी बहन है, माशाल्लाह सब मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, अल्लाह का करम है, शुक्र है। एक दूसरे का एहसास करती हैं कि जी हमारी छोटी बहनें जो हैं वो किस हाल में है, तो उनसे पूछती हैं, उनका ख्याल रखती हैं हर ईद पर, क्या गम में, खुशी में, हर चीज़ में वो मेरे साथ होती हैं। ठीक है, और मैं भी उनके साथ होती हूँ, अल्लाह का करम है, परवरदिगार का शुक्र है, रब्बिल आलमीन का। अम्मी के बाद जो है हम सब के सब साथ ऐसे रहते हैं। ठीक है, माशाल्लाह से मेरी 8 बहनें हैं, अपने अपने घर की हैं, परवरदिगार का शुक्र है, कुछ नानी बन गई, कुछ दादी बन गई है, शुक्र है अल्लाह पाक का, रब्बिल आलमीन का, कि उसने हमें इतना नवाजा है। ठीक है, तो जब ये लोग ना मेरे गंदे पैसे करते ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जी मैं जो ना मैं शेयर करी थी आप लोगों से वो ये है कि ये मेरी बहन लेकर आई दस्तरखान, ये देखिए कितना प्यार लेकर आई है माशाल्लाह से, ये देखिए अल्लाह ताला उसको बहुत है। मेरी अगर वीडियो देख रही है उनको नहीं पता कि मैंने उनकी वीडियो में जो ना इनकी चीज़ें दिखाई, ठीक है, वो देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेकर आई है दस्तरखान, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से, ये देखिए वो हर साल व्यूअर्स वो सबके लिए, सब बहनों के लिए जो है ना वो सब कुछ ना कुछ वो ला कर देती है। ठीक है, उसकी आदत बहुत अच्छी है, मतलब है तो सब बहनों की आदत अच्छी है माशाल्लाह से, एक दूसरे को देते हैं, और बड़ी बहन है वो मेरी ना, तो मैं बहुत जो ना इज्जत करती हूँ उनकी, बहुत ज़्यादा, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुएँ बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जी ये दस्तरखान आया है, देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह से, रेड कलर का। तो मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा अल्लाह दस्तरखान नहीं है तो, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि दिल से हर वक्त अच्छे के लिए दुआ करनी चाहिए, तो अभी सोच ही रही थी, मैंने कहा बच्चों से कह रही थी, मैंने कहा दस्तरखान नहीं है, मैंने कहा आजकल मैं ना लेकर आती हूँ, लेकिन फिर सोचा मैंने कहा नहीं अल्लाह इतने पैसे नहीं है, मैंने चलो छोड़ो, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन देखो ना अल्लाह ताला ने सुन ली ना मेरी, तो अल्लाह ताला सुन लेता है जी, क्यों नहीं सुनता वो। तो जी ये लेकर आई एक और, ये भी शॉपर, इस शॉपर में लेकर आई थी वो, ठीक है, और साथ में जी ये लेकर आई बेडशीट, मैं दिखाऊँ आप लोगों को ना माशाल्लाह से ना, मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मेरे हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ ले सकती ना, आपको पता है कि मैं घर चेंज कर रही हूँ, यहाँ से मैं जा रही हूँ, और घर भी मैंने ले लिया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सा घर मैंने लिया है ना, छोटा सा लिया घर। ठीक है, तो इसमें फंसी हुई थी बहुत ज़्यादा, और मेरी सैलरी इतनी है नहीं है जिसकी वजह से ना मैं ना इतना कुछ ना ले सकूँ ना। तो जी ये बेडशीट लेकर आई है मेरे लिए, ये है तकिए, इनके बेडशीट की चादर है, ठीक है, तो ये है तकिए, सही है, सिले सिलाई लेकर आई है वो, कि मुझे जो है ना परेशानी ना हो सीने की ना। तो देखिए कितनी अच्छी बहनें होती है, बहनें सबकी अच्छी होती है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की बहनें जो है ना कितना प्यार करती हैं आप लोगों से, और क्या क्या गिफ्ट आए हैं आप लोगों के लिए। चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कर ही देगा। तो जी ये है इनके, ये कवर मैंने आपको दिखाए थे तकिए के, और ये लेकर आई है वो चादर, और कलर देखिए कितना प्यारा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, पर्पल कलर मुझे बहुत पसंद है, और जो है ना मुझे बहुत अच्छी, बहुत खुशी हुई थी मुझे जब वो आई है ना, अचानक ही जो ना मतलब साढ़े कितने बजे का टाइम होगा, 1:30 बजे का टाइम होगा, अचानक ही आई है, तो उस टाइम पर तो मैंने ये बना रही होती कि सारी में मैं क्या बनाऊँगी सोच रही होती हूँ, तो इतने में ना बैल बजी है, तो मैंने कहा आई, मैंने कहा इस टाइम फोन आ गया, तो देखा तो बड़ी बाजी आई थी, तो ईदी देखे गई है, मैं ईदी भी दिखाती हूँ आपको कि वो मेरे बच्चों के लिए क्या देखे गई है, ईदी भी है जी, पैसे भी देखे गई है वो। ठीक है, तो ये देखें चादर कितनी अच्छी लग रही ना माशाल्लाह से। तो जी ये सब चीजें हो गई, ठीक है, और ईदी दिखाती हूँ जी, सबसे पहले जो ना कितनी खुशी होती है ना ईद की ना, तो जी पैसे भी देखे गई थी ईदी के, पता क्यों, वो फिर ससुराल में अपने होती है ना, तो उनको फिर टाइम नहीं मिलता मिलने का ना, तो इसलिए जी 2000 देके गई हैं ये मुझे, 1000 मेरा है, ठीक है, और 500 हैं वो छोटी बेटी के लाइबा के, और 500 हैं बड़ी बेटी के आमना के। ठीक है जी, ये दोनों नोट देके गई हैं माशाल्लाह से, ये देख दीदी मेरी आ गई, कितनी खुशी होती है ना इंसान को, तो मुझे तो जी बहुत खुशी हुई है।
मेरी बहन ने मुझे ईदी दे दी, इससे पहले मेरी ईदी आ गई, और इससे क्या खुशी की बात होगी। माशाल्लाह से मेरी बहन ने मुझे ईदी भी दे दी है, ठीक है जी। और जाना इतनी खुशी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, जब वो लेकर आई ना मुझे मेरे लिए चीजें, मैंने कहा देखो जो अल्लाह ताला, मैं सोच ही रही थी कि जी बेडशीट की चादर नहीं है और ना ये नहीं है कवर, वो नहीं है दस्तरखान, तो अल्लाह मैंने रेड कलर का लेकर आना है, और देखो अल्लाह ताला सुन ही लेता है। तो जी इस तरह से मेहनत करते रहे, इस तरह से अपनी वीडियो जो बनाते रहे, ठीक है जी, और इस तरह से बहनों से मिलते रहे। खानदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बहनें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा जो है उनके साथ बनकर रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि यही हमारा खानदान होता है। और आप लोगों को, आप लोग भी जो होते हैं वो भी हमारे जो ना फैमिली मेम्बर होते हैं, तो आप लोगों से मैं कोई बात नहीं छुपाती, हर चीज़ बताती हूँ, ठीक है जी। तो कैसी लगी मेरी ईदी, माशाल्लाह से आई होप के पसंद आई होगी, क्योंकि बहन ने दी है, अल्लाह का शुक्र है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है जी। और मैं सोच ही रही थी कि ना ईदी, तो जाहिर है मम्मी नहीं है ना मेरी, तो बाजी ने दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीन करेंगे बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, खुशी हो रही थी मुझे। तो जी इससे पहले मिल गई मुझे ईदी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा। कल हम क्या बना रहे हैं, वीडियो में आपको क्या दिखाऊंगी ये तो फिर मैं आपको कल ही बताऊंगी, ठीक है जी। तो ये खुशी के आंसू है, तो ये ना हम के नहीं है, ये इतनी खुशी हो रही है कि मुझे, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का, बस इसी वीडियो के साथ जो तो दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, कल मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है जी, अल्लाह।